अरे थी ये वाइक जीता था। हाँ कॉप है। ये फीमेल है। फीमेल है कॉप, ये कॉप की बच्ची है। अच्छा कॉप तैयार करेंगे रेस के लिए भी तैयार। अच्छा रेस के लिए इसको आप तैयार करोगे। एक बच्चा रखा जीता, दो बार जीता था। एक बार जीता है भैया। अच्छा एक बार मेले तो दो भागा हुआ है। स्पीड ज्यादा अपने वाले शिकारी पहले वालों से, ये जोर ज्यादा लगाते हैं। अच्छा क्या नाम रख रखा है इसका आपने? इसका कटप्पा। कटप्पा नाम रखा है, बाहुबली वाले हैं। हाँ जी कटप्पा। तो नमस्कार व्यूअर्स, सराम पोल्ट्री फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जी। तो आज अपने आए हुए हैं जी, ये डॉग का फार्म है, शिकारी डॉग, ग्रे हाउंड बोल देते हैं जिसे। तो इनके फार्म में आए हुए हैं, मैं इनके पास दो तीन शिकारी डॉग है और भी है, तो उसका हम लोग आपको वीडियो और इसकी डिटेल बताते हैं, कौन सी डिटेल में ये कौन कौन सी ब्रीड के हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। अपने जो ये शिकारी नस्ल के डॉग हैं ग्रे हाउंड, तो जी आपने पाल रखे हैं, इनके बारे में बताओ जी, क्या डिटेल है, कैसे है जी ये? जी एक तो पैंथर नाम का है, वो बड़ा ब्लैक वाला। अच्छा जी, जो ब्लैक वाला डॉग है। हाँ ये एक मेला भी जीता हुआ है। और इसकी आगे वाली लात टूट गई है। अच्छा आगे वाली टांग टूट गई है। हाँ, इसकी ना अब ये दौड़ के काम का नहीं है। अच्छा दौड़ के काम का नहीं रहा। हाँ, जी मतलब जी आप बता रहे थे ये वाइक जीता था। हाँ वाइक, अब तो ब्रीडर ही है वैसे। अच्छा ब्रीडिंग के तौर पर। हाँ, उम्र तो जंग ही है इसकी, बाकी पैर टूटने के कारण ये भाग नहीं पाएगा। हाँ पैर टूटने के कारण इसका ना जी दौड़ नहीं। ये कॉप है। ये फीमेल है। फीमेल है कॉप, ये कॉप की बच्ची है। अच्छा कॉप कोई नामी डॉग था? हाँ कॉप नामी था। अच्छा इम्पोर्टेड था। इम्पोर्टेड कहाँ से इम्पोर्ट था वो? वो आयरलैंड से। अच्छा बाहर से जी, आयरलैंड उधर से मतलब ये इम्पोर्ट किया गया था। हाँ। इस फीमेल की जो बाप था। हाँ जी। तो ये बच्चा इसी का ना? हाँ ये इसी का बच्चा है। अच्छा इसी का बच्चा जी पाल रखा आपने। हाँ तो ये आप शौक के लिए पालते हो या फिर आप भी रेस वगैरह लगाते? नहीं नहीं शौक के लिए रख रखे हैं, वैसे अभी आगे तैयार करेंगे रेस के लिए भी तैयार। अच्छा रेस के लिए इसको। हाँ, आप तैयार करोगे? एक बच्चा रखा था और इसकी भी पैर में चोट आ गई। हाँ इसकी ये भागड़ी वाला तो नहीं रहा, पर आगे को भी बच्चा होएगा ना तो उसको तैयार करेंगे। अच्छा आगे जो बच्चे आएंगे उसको आप रेस के लिए तैयार करोगे? हाँ जी हाँ जी। हाँ तो इसकी रेस तो अपने पंजाब में काफी खूब जगह पर होती है। खूब जगह में होती है, मैं तो अभी नया ही शौक किया इनका। अच्छा नया स्टार्ट किया, आगे को बच्चा कोई अच्छा पालेंगे। अच्छा अगर कोई अपना भाई जे लेना चाहे तो आप बच्चा वगैरह सेल कर दोगे? हाँ, सेल कर देंगे। अच्छा अगर अभी ये दो महीने तक सूपेगी आपकी फीमेल? हाँ, हाँ, जो है ना। हाँ, हाँ। दो महीने तक जे आ जाएगी। अब क्रॉसिंग पर ही है। हाँ क्रॉसिंग पर है, दो महीने तक जे ब्लैक वाला डॉग आपका जो चैंपियन रहा हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। वाइक एक बार जीता जी, दो बार जीता था? एक बार जीता है भैया। अच्छा एक बार मेले तो दो भागा हुआ है। हाँ दूसरे में पता नहीं क्या पोजीशन है ये, क्या नहीं। अच्छा पहले में ये तो मेरे तो दोस्तों ने आगे गिफ्ट किए हैं मुझे। अच्छा दोस्त से आप लेकर आए थे? हाँ वो टांग टूटने के बाद। हाँ वो काम का नहीं रहा, इसको रोटी पानी अच्छा डाल देना जो डाइट हो। हाँ हमारा मन नहीं दुखेगा। हाँ और तो ये मुझे दे दिया। वो आपको दे गया, आपने तो वो ब्रीडिंग के पर्पज से आप उनसे ले आए थे ना। वैसे इसको किस पर्पज से? पहले लोग शिकार के लिए भी पाला करते थे ना? हाँ पर शिकार के लिए थोड़े इम्पोर्टेड है, ये गर्मी बहुत ज्यादा मानते हैं। अच्छा जी शिकार के लिए काम में? हाँ, नहीं आते तो ये नाजुक सामान है, थोड़ी सी चोट लग गई मतलब, नाखून पटाया गया तो ये नहीं काम, जोर नहीं लगाता मतलब। जो ये इम्पोर्टेड जे है तो इनमें क्या स्पीड ज्यादा अपने वाले शिकारी पहले वालों से? ये जोर ज्यादा लगाते हैं। अच्छा उनसे जोर दुगना जोर लगाते हैं? हाँ, वो अपने जो पहले वाले शिकारी है उनको तो किलोमीटर बजा ली वैसे ही है। हाँ ये बस 400 मीटर 300 मीटर मतलब पावर, पूरा पावर 400, जो 1 किलोमीटर वाली पावर है वो 400 मीटर में लगा देते हैं जी पूरी, है ना। हाँ तो इस हिसाब से जे इनकी खासियत होती है ना इस डॉग की। हाँ तो अपनी वीडियो लगा देंगे आपका, जे अगर कोई व्यूअर्स लेना चाहेगा, इंपोर्टेड ही हैं आपके दो सारे? अगर कोई इनके माँ बाप इंपोर्टेड है, मेरे नहीं करवाए हुए। हाँ इनके माँ बाप इंपोर्टेड है मतलब इंपोर्ट लाइन की होगी ना? हाँ इंपोर्ट लाइन की। हाँ तो इनके कोई बच्चे वगैरह लेना चाहेगा तो अगर आपका फालतू होगा तो आप मन बना लेंगे देने के लिए, अगर अच्छी कीमत पर कोई लेना चाहेगा तो इनका मैं वीडियो आपने लगा देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है तो ठीक है सर, धन्यवाद। ओके सत श्री अकाल। तो भाई साहब जे भी आपका एक डॉग है ना बुलटेर ब्रीड का? हाँ जी बुलटेर। हाँ बुलटेर सिंगल नोज है बुलटेर। अच्छा सिंगल नोज में है, क्या नाम रख रखा है इसका आपने? इसका कटप्पा। कटप्पा नाम रखा है, बाहुबली वाले हैं। हाँ जी हाँ जी कटप्पा। तो कटप्पा की उम्र कितनी है? ये 8-9 महीने का हो गया। 8-9 महीने का है, बच्चा ही है अभी। हाँ। तो अभी ये बच्चे में आता है ना? हाँ जी बच्चे में ही आ गया। हाँ तो नाम तो इसका आपने दासू रख रखा है, फोर सेल पर है ना जी? हाँ फोर सेल। तो इसका आपने अगर कोई अच्छे दाम वाला होगा तो आप सेल कर दोगे? हाँ सेल कर दूंगा इसका। हाँ जी बच्चा तो
अच्छा आपका ना कटप्पा जी, मतलब इसकी क्या खासियत होती है जी? फैमिली डॉग है ये? फैमिली डॉग भी है, फाइटर भी। वैसे बहुत ठंडे स्वभाग है फैमिली के मामले, बच्चा है छोटा हाँ। चाहे वो इसके ऊपर बैठ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा बिल्कुल ठंडे स्वभाव का है ना जी? हाँ, जैसे डॉग है, डॉग को देख के तो थोड़ा गर्म होता है, वैसे बिल्कुल ठंडा है। ठीक है, तो आपने जे मतलब सेल के पर्पज से अपने सेल कर देंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, नहीं सही है जी। भी आप डॉग थोड़े ज्यादा हो गए हैं हाँ। और डॉग तो अच्छा है पर फिर इतने केयर नहीं होती। सही है, बुली पाल रखा था घर हाँ। में एक जर्मन शेफर्ड का भी। सात आठ डॉग हो गए हाँ, सात आठ, तो इसके कारण से मैं इसको दूंगा। हाँ सही, इसी कारण से आप दे रहे हो ना संभाई करने, वरना तो जो पालने वाला डॉग। गर्मी भी आ गई और डॉग भी ज्यादा है फिर सब। वैसे तो आपने जो पेड़ पूड़ बढ़िया है, इधर छाया का प्रबंध अच्छा है ना? बढ़िया, जगह भी ठीक है। हाँ सही है, सही है। तो थोड़ा अपने मन को लग रहा है अभी पूरी अच्छी डाइट नहीं मिल रही। हाँ बिल्कुल, फिर क्या फायदा जब अपने खुद के मन को ऐसा हो यार पूरी डाइट। सही है, सही है। तो ठीक है भाई साहब। हाँ ठीक है भाई साहब, धन्यवाद।